हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं मुकेश कुमार अग्रवाल, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेहनत कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। वर्क हार्ड गेट रिवार्ड का आज पार्ट टू मैं लेकर आया हूं। इस टॉपिक पर हमने पहले भी डिस्कशन किया है और आज इस टॉपिक में एक मुख्य बिंदु हम लेंगे, वो है चाहत। हर इंसान की, हर व्यक्ति की बहुत सारी चाहतें होती हैं, इच्छाएं होती हैं और वह उन्हें पूरा करना चाहता है और पूरा करने में वो न जाने क्या क्या काम करता है, लेकिन कामनाएं कैसे पूरी होंगी, चाहतें कैसे पूरी होंगी ये नहीं जानता है। मैं जो कुछ बातें आपसे कहता हूं वो मेरे अनुभव के आधार पर आधारित हैं और उन्हीं अनुभवों से जो कि मैंने सीखा है वो मैं आपको बताता हूं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है चाहत, इसके ऊपर कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। चाहते तो हैं हम सब कुछ पा जाना, चाहते तो हैं हम सब कुछ पा जाना, पर क्या करें ना जाने पा जाना। यानी कि हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, उसे दौड़ धूप भी करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन कितने लोगों की कितनी चाहतें पूरी हो पाती हैं? ज्यादातर लोगों की ज्यादातर चाहतें पूरी नहीं हो पाती हैं। कारण एक ही है कि प्रयास नहीं किया जाता। अनवरत प्रयास जरूरी है, सही दिशा में किया गया प्रयास जरूरी है। उन चाहतों को पूरा करने का जो तरीका है, जो कला है, वो हमें आना चाहिए। एक को मनाओ तो दूजा रूट जाता है, दूजे को मनाने से पहले पहला छूट जाता है। चाहते तो हैं हम सबको मनाना, चाहते तो हैं हम सबको मनाना, पर क्या करें ना जाने मनाना। ये मैंने देखा जीवन में कि हम एक चीज को पाना चाहते हैं, एक व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, फिर दूसरे को मनाना चाहते हैं, पहला मना भी नहीं पाते और दूसरे को मनाना चले जाते हैं, दूसरा जब तक मनता नहीं है तो पहला पहले छूट जाता है, फिर से रूठ जाता है। अर्थात एक चाहत पूरी नहीं होती, हम दूसरी चाहत पूरी करने के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं और फिर दूसरी चाहत भी पूरी नहीं होती, पहली भी पूरी नहीं होती, बस इसी प्रकार दौड़ धूप लगी रहती है और हम जीवन के वो लक्ष्य, वो जो हम तय करते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बस भागते रहते हैं। सिर्फ एक कारण कि हम उन्हें कैसे प्राप्त करें ये जानते ही नहीं, ये हमको कला आती ही नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम प्रयास करें अनवरत, ईमानदारी के साथ, एक सही दिशा में। दूसरे में, जीवन नहीं है कुछ, एक बांस का टुकड़ा है, जिसको बजाना आया कृष्ण बन के निकला है। चाहते तो हैं हम इसको बजाना, चाहते तो हैं हम इसको बजाना, पर क्या करें ना जाने बजाना। हम देखते हैं जीवन में, और मैंने भी देखा है कि जैसे एक बांस का टुकड़ा होता है, ठीक वैसे ही हमारा जीवन होता है। हम सब लोग उसमें उसको अपने अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बांस के टुकड़े में फूंक मारते हैं, लेकिन कुछ लोग उस तरफ फूंक मार कर रह जाते हैं, या कुछ लोग जब आवाज बांस के टुकड़े में निकलती है तो उसके कारण दूसरे लोगों को परेशानी पैदा कर देते हैं, लेकिन जब कुछ लोग उस बांस के टुकड़े में इस तरह से फूंक मारते हैं कि उसमें सुरताल बजने लगते हैं, और ये वही बांस का टुकड़ा है जिसे बजाकर भगवान श्री कृष्ण मुरली वाले कहलाए। मैंने सुना है, पढ़ा है कि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे तो गांव के लोग, दूर दूर तक के लोग, पशु पक्षी सब मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। तो ठीक यही चीज हमारे जीवन में है। जिसको जीवन जीना आ गया, जिसको जीवन रूपी बांस को बजाना आ गया, उसका जीवन धन्य हो जाता है, सुख और सुविधाओं से संपूर्ण हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है और वो बड़े आराम से जीवन जीता है और दूसरों को प्रेरित भी करता है। लेकिन जिसे बजाना नहीं आता है उसका जीवन दुखमय हो जाता है, कष्टप्रद हो जाता है, और वो सिर्फ यही कहता है कि जीवन बहुत दुखी है, बहुत खराब है, इसमें कोई सुख है ही नहीं, नीरस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें प्रयास करना होगा कि इस जीवन रूपी बांस को कैसे बजाया जाए और कैसे इसमें से अच्छे सुर और ताल निकाले जाएं।
ध्वनि निकाली जाए। कर्मयोगी बनना है हर धर्म कहता है, बहता पानी ही निर्मल होता समंदर ये कहता है। चाहते तो हैं हम सबको समझाना, चाहते तो हैं हम सबको समझाना, पर क्या करें ना जाने समझाना, पर क्या करें ना जाने समझाना। इस अंतरे में जो मेरा अनुभव था उसमें ये था कि जितने भी हम धर्म पढ़ते हैं, जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, चाहे किसी धर्म की बात करें, तो हर धर्म एक ही बात कही गई है कि कर्म योगी बनना है, कि आप लोग कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, सही दिशा में कर्म करिए और फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। यही गीता का ज्ञान है। सर्व आप कर्मयोगी बने, आप प्रयास करें, कर्म करें, फल की इच्छा बिल्कुल ना करेंगे, फल तो मिलना ही है। जैसे जो हम कर्म करते हैं वो एक बीज है और उसका फल हमें जरूर मिलेगा। ये अलग बात है कि किसी बीज का फल जल्दी मिलता है, किसी का देर से मिलता है, लेकिन फल उसका अवश्य मिलता है। तो इसलिए हमें फर्ग जो एक फल है, जो प्रतिफल है कर्म का, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, वह हमें मिलेगा। हमारा काम है सिर्फ कर्मयोगी बनना। और देखिए कितना सुंदर उदाहरण है कि नदी, इसका पानी बिल्कुल निर्मल होता है। क्यों? क्योंकि नदी निरंतर बहती रहती है, कर्म करती रहती है और उसका पानी ही निर्मल होता है, पीने के काम आता है, प्यासे की प्यास बुझाता है। और इसीलिए जल को जीवन कहा गया है, जीवन देती है सबको। और एक समंदर जिसमें विशाल जल राशि है लेकिन फिर भी वो जीवन नहीं देता है, उसका पानी किसी की प्यास नहीं बुझा पाता है, वह खारा हो जाता है, लवणीय हो जाता है और वो प्यासे मन की प्यास नहीं बुझा पाता है। तो इसलिए बहते रहना अर्थात निरंतर एक सही दिशा में प्रयास करते रहना बहुत जरूरी है। हम ये बातें सबको समझाते हैं, ऋषि मुनि समझाते थे, हमारे वेद पुराण ग्रंथ जितने भी हैं, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सब ये बात समझाते हैं कि कर्मयोगी बनना है, लेकिन हम समझा नहीं पाते या फिर बहुत सारे लोग इसे जान कर अनजान बने रहते हैं और सही दिशा में प्रयास नहीं करते हैं और फिर इसी कारण कोई सही प्रतिफल की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैंने कभी ये देखा नहीं था, सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पहुँचना या पहुँचूंगा। मैं सिर्फ कर्म करता गया हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। यही बात जो मेरे जीवन से निकल के आई मैंने आपके साथ शेयर की है। और मैं आपसे भी चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग एक सही चाहत बनाएं। चाहत रखना, महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा में अंधा होना गलत है, इधर उधर भटकना गलत है। तो आप एक सही दिशा में सही प्रयास लगातार करेंगे तो आपको मंजिल जरूर प्राप्त होगी और आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और यही मेरा ध्येय है, यही इस वाक्य का सारांश है, वर्क हार्ड गेट रिवार्ड। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई गलती मुझसे हुई हो या किसी प्रकार की असहमति हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।